जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए जानते हैं क्यों लगता है सूर्य ग्रहण, जाने इस दौरान क्यों नहीं करनी चाहिए पूजा। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल चैत्र माह की अमावस्या के दिन लगने वाला है। अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता होगा कि आखिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। आइए इस सवाल का जवाब इस वीडियो में देखते हैं। विज्ञान के मुताबिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का लगना एक खगोलीय घटना है। इस खगोलीय घटना को कई मान्यताएं और अंधविश्वासों के साथ जोड़ा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह खगोलीय घटना हमारे लिए शुभ नहीं होती है। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करने की भी मनाही होती है। साथ ही ग्रहण के दौरान मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण के दौरान कुछ काम करने के लिए भी मना किया जाता है और कुछ कामों को करने की सलाह दी जाती है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है और ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। इस बारे में विस्तार से जानते हैं। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 25 मार्च होली के दिन लगा था। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया था। अब इसके बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर लगने जा रहा है, जो कि 8 अप्रैल सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से यह अमावस्या कुछ खास होने वाली है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस वीडियो से हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सूर्य और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिसके अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण की कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब 14 रत्नों में से एक अमृत का कलश बाहर आया तो उसको लेकर देवताओं और असुरों के बीच विवाद छिड़ गया। यह देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और सभी को बारी बारी से अमृत पान कराने को कहा। लेकिन जब देवताओं को अमृत बांटा गया तभी स्वर्भानु नामक एक राक्षस ने छल से सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच बैठकर दिव्य अमृत का पान कर लिया। हालांकि उस राक्षस के इस छल को दोनों देवताओं ने पहचान लिया। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने इसकी जानकारी जग के पालनहार श्री हरि विष्णु को दी। यह बात पता चलने पर श्री हरि क्रोधित हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से स्वर्भानु राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उस अमृत के कारण उस असुर का शरीर दो हिस्सों में अमर हो गया। उसके सिर वाला हिस्सा राहु कहलाया और धड़ वाला हिस्सा केतु। यही वजह है कि राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन्हें समय समय पर अपना ग्रास बना लेते हैं, जिसके चलते ही ग्रहण लगता है। ग्रहण के दौरान पूजा करनी चाहिए या नहीं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सभी मंदिरों के कपाट सूतक काल में ही बंद कर दिए जाते हैं। साथ ही इस समय मंदिर जाना या पूजा करना अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि आंतरिक मन से पूजा पाठ किए बिना भगवान का भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दौरान कुछ भी खाने और पीने को मना किया जाता है। वही खाने पीने की सभी चीज़ें में तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है ताकि वह शुद्ध और खाने के योग्य रहे। सूर्य ग्रहण के समय हानिकारक कीड़े निकलती हैं, जिसकी वजह से वातावरण दूषित हो जाता है।
और वातावरण के दूषित होने के कारण खाना दूषित हो जाता है। इसलिए ग्रहण के दौरान खाना न खाने की सलाह दी जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।